गुलाब जामुन ऐसी मिठाई है जो सभी को बहुत पसंद आती है और ये हर जगह बहुत आसानी से मिल भी जाती है। इसे आप घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है। तो आज इस गुलाब जामुन से बनाते हैं एक नए डेजर्ट जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। जिसे भी आप खिलाएंगे सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी तक आपने कभी इस तरीके से इस डेजर्ट को नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर बनाकर देखें, बहुत टेस्टी लगती है। इसी तरह हमने बनाया है मोतीचूर लड्डू से ये डेजर्ट, ये भी सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है तो लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं गुलाब जामुन की इस डेजर्ट को कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप घर की बनी रबड़ी। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है। तो आप चाहें तो चीनी डाल करके रबड़ी बना लें या आप मार्केट की भी रबड़ी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। तो आप कोई एक ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें बारीक काट करके गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं। तो इसे हम रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिया है गुलाब जामुन, ये बिल्कुल गर्म है गुलाब जामुन, ये मार्केट का गुलाब जामुन है। आप मार्केट से गुलाब जामुन लाएँ तो उसे माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं या आप उसे गैस पर भी गर्म कर सकते हैं, पर गुलाब जामुन को ज़रूर गर्म कर लें, उसके बाद ही आप सर्व करें। तो इसके सारे चाशनी को हम निकाल देंगे और इसे हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इसके टुकड़े आप 4 भी कर सकते हैं या इसे आप मेरे तरीके से 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन को काट लें जितना आपको सर्व करना है। तो इसे रखते हैं हम साइड में। इसे सर्व करने के लिए हमने लिया है छोटा बाउल और अब हम फ्रिज से निकाल लेंगे रबड़ी को। तो रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब इसे हम बाउल में डालेंगे 4 बड़े चम्मच। तो जितनी रबड़ी आपको पसंद है उतनी रबड़ी आप ले सकते हैं। बाजार जैसी रबड़ी आप घर में कैसे बनाएं उसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप घर में बाजार जैसी रबड़ी बना सकते हैं। और इसे आप कस्टर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, घर में कस्टर्ड बना लें, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें, छोटे टुकड़ों में काट करके गुलाब जामुन डाल दें, फिर ठंडा करके आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। इस पर हमने रख दिया है कटा हुआ गुलाब जामुन और ऊपर से गार्निश कर देंगे कटे हुए पिस्ता से। आप अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। बस इसी तरीके से सारे बाउल में हम इस डेजर्ट को निकाल लेंगे, पर बाउल में रखने के बाद आप इसे फ्रिज में ना रखें। अगर आप इसे बाउल में निकालने के बाद फ्रिज में रखेंगे तो गुलाब जामुन थोड़ा हार्ड हो जाएगा जो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो पहले आप रबड़ी को ठंडा कर लें और गुलाब जामुन को गर्म कर लें, फिर आप इसे सर्व करें। तो ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ गर्म गर्म गुलाब जामुन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने सारे बाउल में इसे सर्व कर लिया है, देखिए आप देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपके घर कोई गेस्ट आए तो उन्हें भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपने देखा सिर्फ 5 मिनट में ये गुलाब जामुन डेजर्ट बनकर तैयार हो जाता है। आपने कभी इसे नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। बनाने के बाद आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।